सुबह खाली पेट नीम पत्ती खाने के फायदे 1 करोड़ खर्च करके भी नहीं मिलेंगे। खाने से खत्म होते हैं 7 भयंकर रोग। दोस्तों, अगर आपके घर के सामने या फिर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो आप वाकई बहुत ही लक्की हैं। गर्मी में ठंडी हवा देने के साथ ही एक ऐसा पेड़ है जिसका हर हिस्सा किसी न किसी बीमारी के इलाज में फायदेमंद होता है। दोस्तों, शरीर से जुड़ी कई छोटी बड़ी समस्याओं के लिए इसके पत्तों से लेकर इसकी छाल का इस्तेमाल सदियों से सालों से किया जा रहा है। आज के समय में बहुत सी अंग्रेजी दवाइयां नीम की पत्तियों और उसके पेड़ के छाल से बनती है। दोस्तों, बीमारियों के अलावा यह शरीर को सुंदर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीम एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी वायरल गुणों से भरपूर होता है। नीम को आयुर्वेद में एक बहुत ही बड़ी औषधि माना गया है जिसे हजारों सालों से उपयोग किया जा रहा है, जो कि आपके कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। आयुर्वेद की किताब स्ट्रांग रिद्यम, जो कि महर्षि वाग्भट जी ने 3000 साल पहले लिखे थे, उनमें नीम के महत्व को विस्तार से बताया गया है। तो चलिए आज बात करते हैं, नीम हमारे शरीर में क्या क्या फायदा करती है, कौन कौन सी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब आप वीडियो को पसंद करते हो तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। आगे भी आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। दोस्तों, आपके शरीर में आपको किसी भी प्रकार के स्किन की डिजीज हो गई है, किसी भी प्रकार का चर्म रोग रहता है, चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, फोड़े फुंसियां हो जाते हैं चेहरे पे, कमर पे बहुत ज्यादा, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में, तो उसका एक ही मतलब है कि आपका जो खून है वो साफ नहीं है। तो इसके लिए नीम की पत्तियां बहुत ही जबरदस्त होती है, 1 हफ्ते के भीतर भीतर खून को शुद्ध कर देती है। दोस्तों, नीम के पत्तों में कवक और बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत होती है, लेकिन उपयोग किस तरह से करना है उसके बारे में जान लेते हैं। आपको याद होगा कि बचपन में हमारी दादी और माँ नीम की पत्तियों की गोलियां बनाकर खिलाते थे ताकि खून हमारा साफ रहे और बीमारियों से हम बचे रहें। तो आजकल के लोग ये सारी चीजें भूल गए हैं, तो आपको फिर से हमेशा स्वस्थ रहने के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग जरूर करना चाहिए। सुबह उठ के खाली पेट नीम की जो ताजी पत्तियां होती हैं, पूरी ग्रीन वाली पत्तियां, उसकी 1 या 2 पत्ती आपको लेनी है, उसके बाद उसे चबा चबा कर खा लेना है। आपको ये चबाने में थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन सेहत के लिए कई फायदे देगा। 2 पत्ती नीम की चबा कर ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आपको ज्यादा कड़वा लगता हो तो आप 1 चम्मच शहद ले लें और शहद में मिलाकर पत्तियों को चबा चबा कर खा जाए। ऐसा आप हफ्ते में 3 से 4 दिन जरूर करें। दोस्तों, 1 सप्ताह के इस्तेमाल से आपके फोड़े फुंसियां खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। स्किन डिजीज, भयंकर से भयंकर चर्म रोग, फोड़े फुंसियां 1-2 हफ्ते के भीतर ही जड़ से खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। आपके घर के आसपास नीम का पेड़ ना हो तो आप मेडिकल से एक साफी आता है, पहले बचपन में हमारी माँ भी पिलाया करती थी। साफी दोस्तों बहुत ही पुरानी दवाई है, आप इसे लेकर इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। साफी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं साफी को रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा जो भी दांत खाज खुजली से परेशान है उनके लिए तो इतना जबरदस्त है कि 1-2 बार के इस्तेमाल से ये खत्म कर देता है। किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ये जड़ से खत्म करता है। प्राइवेट पार्ट में हो गया हो या फिर शरीर के किसी भी अन्य हिस्से में, स्किन में आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इसको जड़ से खत्म करने के लिए नीम से अच्छा कोई उपाय नहीं है। तो हमें क्या करना है, सुबह 2 पत्तियां नीम की खानी है। ये अंदर से काम करेगा और बाहर से एक पेस्ट लगाना है, वो कैसे बनाना है जरा वो देख लीजिए। हमाम दस्ते में 10 से 12 नीम की पत्तियां ले लें। पत्तियां आप बिल्कुल हरी वाली लीजिएगा, उसे अच्छे से पीस लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट में आपको 1 कपूर की टिकिया का चूरा डाल देना है। कपूर की टिकिया वही जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं। कपूर में दोस्तों एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। आजकल जो मेडिकल में खुजली की दवाई मिलती है उसमें भी कपूर का इस्तेमाल होता है। तो क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करके जहां भी आपको दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है वहां पे इस पेस्ट को लगा के 1/2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल पानी से धो लेना है। ऐसा दोस्तों दिन में 1 से 2 बार जरूर प्रयोग करें। कुछ ही दिनों के प्रयोग से दांत खाज खुजली जड़ से खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ आपको नीम की पत्तियां भी सुबह खाली पेट खानी है तो जल्दी फायदा दिखेगा, यानी अंदर से भी काम करेगा और बाहर से भी। इसके अलावा दोस्तों दांत खाज खुजली होने के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो वहां पर दाग हो जाते हैं और ये दाग जो है बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताता हूँ। आप कपूर की टिकिया ले लेना, कपूर की टिकिया वही पूजा वाला, 10 से 15 टिकिया लेकर 50 ग्राम नारियल के तेल में डालकर मिक्स करके रख देना है और इसको रोज रात को सोने से पहले लगाना है।
इससे दांत खाज, खुजली के डार्क और खराब लगने वाले दाग मिटने लगेंगे। ऐसा आपको लगातार रोज करना है, आपको बहुत ही अच्छा फायदा दिखेगा। चलिए अगला फायदा देखते हैं। दोस्तों, जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, पेट में हाजमा अच्छे से नहीं होता है, इनडाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम रहती है, सुबह जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है नीम की पत्तियां चबाना। हफ्ते में सिर्फ एक बार सुबह खाली पेट इसका सेवन जरूर करें। ये टैनिंग को खत्म करता है। नीम का पत्ता धूप में ज्यादा देर तक खड़े होने से स्किन पर जो बुरा असर पड़ता है, त्वचा पर टैनिंग आ जाती है। धूप की वजह से काली पड़ चुकी स्किन पर नीम की पत्तियों का फेस पैक लगाकर टैनिंग को दूर कर सकते हो। इसके लिए आप नीम की पत्तियों को सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लेना है। उस पाउडर में थोड़ा सा दही मिलाकर पेस्ट बना लेना है और इसे चेहरे पर लगा लेना है। दोस्तों, आधे घंटे के बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए। इसके 2-3 बार उपयोग करने से टैनिंग निकल जाएगी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने पर आप नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर उस पेस्ट को आंखों के नीचे लगा दें और कुछ ही मिनट तक इस पेस्ट को लगे रहने दें। कुछ समय के बाद आप इस लेप को पानी की मदद से साफ कर दें। हफ्ते में 3 बार ये पेस्ट डार्क सर्कल पर लगाने से ये जल्द ही कम हो जाएंगे। इसके अलावा रात को भी आपको इस तेल को लगाना है। ये तेल है बादाम रोगन तेल, आपको ये मेडिकल में मिल जाएगा। इस तेल को उंगलियों में लेकर और आंखों के नीचे लगा लेना है। आप चाहे तो पूरे फेस पर भी लगा सकते हो और हल्के हाथों से 30 सेकंड 1 मिनट तक मसाज कर देना है और सो जाना है। ये दोनों चीजें आपने कर ली तो डार्क सर्कल आपके कुछ दिनों में कम हो जाएंगे। नीम के पत्ते दोस्तों डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। अगर वो नीम के पत्ते रोज सुबह खाली पेट खाएं तो इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया जैसी बीमारी में भी ये बहुत फायदा करता है। दरअसल इसके पत्तों में पाए जाने वाला गैडियोनिन तत्व इस बीमारी के इलाज में कारगर साबित होता है और तेज बुखार को कम करने में भी हेल्प करता है। इसके लिए आप नीम की पत्तियों का काढ़ा भी पी सकते हैं। जिनको भी यूरिन इन्फेक्शन है तो वो रोज सुबह उठकर इसके 2 पत्ते चबा लें, बहुत फायदा करेगा। खासकर महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो लड़कियों को अगर ये दिक्कत होती है तो इसका इस्तेमाल अवश्य करें। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है नीम की पत्तियां। जी हाँ, शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगे तो आप नीम की पत्ती खाकर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकती हो। इसके अलावा जिन लोगों के बाल काफी कमजोर है और आसानी से टूट जाते हैं, तो वो लोग अपने बालों को नीम की मदद से मजबूत कर सकते हैं। बालों को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कि नीम की पत्तियों को पीस लेना है, पेस्ट तैयार कर लेना है और इस पेस्ट में दही मिलाकर बालों पर लगाना है। आप चाहें तो दही के साथ साथ इसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हो। इस पेस्ट को बालों पर लगाने के 10 मिनट के बाद आप साफ पानी से बालों को धो लें। दोस्तों, ये दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। नीम का दातुन दोस्तों अभी भी कई लोगों द्वारा यूज किया जाता है। पहले के लोग ये ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते थे, दांतों को साफ करने के लिए दातुन का इस्तेमाल किया करते थे और उसमें से नीम का जो दातुन होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। एक तो इससे दांत सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते, दांत भी साफ होती है और दांत लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में भी नीम के दातुन का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो उसका दातुन जरूर इस्तेमाल में लाइए। तो देखते हैं कि नीम की पत्ती आप कब कब खा सकते हो, इसका सही समय क्या है। कई लोग नीम के पत्तों को सुबह के समय खाते हैं तो कई लोग शाम के वक्त इसके पत्ते को खाते हैं। तो जो लोग नीम के पत्ते का सुबह खाली पेट सेवन करते हैं उनके शरीर पर इनके पत्तों का ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, यानी कि ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए हो सके तो आप सुबह के समय ही इन पत्तों को खाएं। हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल लगातार और ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करना है। नीम के पत्तों का ज्यादा समय तक खाना शरीर के लिए सही नहीं होता, इसलिए आप इसके पत्तों का सेवन ज्यादा लंबे समय तक ना करें और हो सके तो एक दिन छोड़कर इसकी पत्तियों को खाएं, क्योंकि लंबे समय तक इसकी पत्तियों को खाने से गुर्दे और लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो, फिर वापस 1 महीना गैप करके अगले महीने इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चे को, मतलब 5 से 6 साल के नीचे के बच्चे को आपको नीम की पत्तियां नहीं देनी है। गर्भवती महिलाओं के लिए इसके पत्तों का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। इसका नुकसान पेट में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है। इसके अलावा जो माताएं बहनें बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, वो भी इस नीम के पत्ते का सेवन ना करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार नीम के पत्तों का उपयोग और उसके फायदे और सावधानियां। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर शेयर करना। तो अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।